नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे अष्टांग योग में अहिंसा का, और अहिंसा हमारे लिए माता के समान होती है। यदि अहिंसा का हम पालन करते हैं तो जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, हर प्रकार से उनमें परिष्कार, उनका जो है हर प्रकार से उनकी उन्नति करती है, वैसे ही अहिंसा का जो पालन करता है वह व्यक्ति अहिंसा के द्वारा पालित होता है, पोषित होता है, पुष्पित और पल्लवित होता है। तो अहिंसा की चर्चा हम पिछली कक्षा में कर रहे थे, कुछ प्रसंग आपके सामने रखे थे, आप किसी का उसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जी। ओम आचार्य जी, जैसे हम अहिंसा की बात कर रहे हैं, अहिंसा तो एक बड़ा धर्म है ही जी, जैसे अहिंसा पर एक सामान्य व्यक्तियों को हिंसा क्या और अहिंसा ये वैसे तो समझ में आती है, हमें भी वैसे समझ में आती है, पर जब वो प्रसंग आता है जी, जब भी कोई कार्य प्रसंग आता है तब ये हिंसा कब हो जाती पता नहीं चलता जी। और जैसे अभी हम महाभारत के श्लोकों को पढ़ रहे हैं जी, जैसे व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखा तो उसके बाद श्रीमद् भगवत का ग्रंथ लिखा, पहले हिंसा के बारे में बोला बाद में अहिंसा के बारे में बोला, तो व्यक्ति का अक्सर ये स्वभाव हो जाता है जब हिंसा करता है तभी उसको अहिंसा का भाव आ जाता है। सम्राट अशोक जैसे महान योद्धा ने पहले हिंसा कर ली बाद में फिर उनके अंदर अहिंसा का भाव आ गया, और हमने देखा कई धर्म भी ऐसे निकले कि जो अहिंसा का पाठ पढ़ा देते हैं, पर एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल जाता है क्योंकि वो जितना क्योंकि वो सभी ग्रंथ तो पढ़ नहीं सकता है, पर जितना संतों के द्वारा या उच्च व्यक्तियों के द्वारा सुनता है जी उतना ही वो भ्रम में फंसता जाता है। तो उसके लिए एक सहज रूप से हिंसा अहिंसा, क्योंकि मैंने पहले कहा ये सामान्य रूप से तो समझ में नहीं आता, जब हिंसा घटित हो जाती तब समझ में आता कि हमने हिंसा कर दी। क्योंकि बात आपकी आ गई यहाँ पर, जब व्यक्ति बहुत हिंसा करता है अंदर से उसको ग्लानी महसूस होती है। जैसे मैंने एक बात कही कि जो अहिंसा का पालन करता है तो अहिंसा माता के समान उसका भरण पोषण करती है, उसको पालती पोसती है और उसको उत्कर्ष दिलाती है। लेकिन जो हिंसा करता है उसमें अशांति आती है और व्यक्ति का स्वभाव अशांति में रहने का होता नहीं है। सभी का स्वभाव क्या है? शांति के लिए होता है, सभी सुख चाहते हैं, सभी आनंद चाहते हैं, और जब वह इतनी हिंसा करता है तो वह स्वयं हिंसा से युक्त हो करके अहिंसा, क्योंकि हमारा स्वभाव है, शांति हमारा स्वभाव है, तो हम अपने स्वभाव में फिर धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं, क्योंकि हम जान लेते हैं ये तो गलत रास्ता है, भटकाव का रास्ता है। आपने जो बात कही कि हमको अनेक शास्त्रों से या अन्य चीजों से जो चीज नहीं समझ में आती उससे भ्रांति उत्पन्न होती है, तो ये बात बिल्कुल आप जान लीजिए कि निरंतरता बहुत बड़ी चीज है। यदि हम जिज्ञासु हैं, यदि हम चाहते हैं कि मैं अहिंसक बनूं, मैं हिंसा क्या है इसको भी समझूं, अहिंसा क्या है इसको भी समझूं, तो इसके लिए सतत अच्छे लोगों का संग, यदि वेद उपनिषद दर्शन नहीं पढ़ पाते हैं, वो असक्षम है, तो हमको सक्षम गुरुओं के सानिध्य में रहना चाहिए, ऐसे लोगों के सानिध्य में रहना चाहिए जो इस चीज को समझते हैं। दूसरी बात, उसमें कभी भी हताश निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर तत्र स्थितो यतनो अभ्यासः और सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। व्यक्ति को जब ये चीज समझ में आ जाए तो उसमें स्थित होने का प्रयास करे, और एक दिन दो दिन नहीं, सतु दीर्घ काल, दीर्घ काल तक उसका अभ्यास करता रहे। और जो आपने कहा कि जब प्रसंग आता है, जब आलंबन मिलता है, तब वो क्रोध भी करता है, हिंसा भी कर देता है, बाद में उसको लगता है ये तो गड़बड़ हो गया,
तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, विचार करके अपने व्यवहार को करना चाहिए, क्योंकि धर्म के विषय में आपने पीछे कक्षाओं में खूब पढ़ा है। और धर्म का जो प्रथम लक्षण है वो क्या है? धृति। हर स्थिति में हमको धैर्यवान बनकर के कार्य करना चाहिए। यदि क्रोध से हम क्रोध को शांत करना चाहेंगे तो उससे क्रोध कभी शांत नहीं होता है। यदि हम किसी को जो है पीड़ा दे करके सुखी होना चाहते हैं, नहीं हो सकते हैं। हाँ, जो वो बात अलग है कि हिंसा से हिंसा को समाप्त करें, ऐसा कहते हैं लोहे से लोहे को काटते हैं, लेकिन ये हर प्रसंग में ये बात ऐसी ही है ऐसा नहीं है। तो हमको ज्ञान पूर्वक व्यवहार पूर्वक उसको करने का प्रयास करना चाहिए और अभ्यास पूर्वक करना चाहिए। बार बार ऐसी चीजें होंगी, एक बार, दो बार, तीन बार, आपको हताश निराश नहीं होना, सतत इसका अभ्यास करते रहे। जैसे ये खरपतवार के समान है, हिंसा, क्रोध, लोभ, मोह, ये स्वाभाविक नहीं है। एक व्यक्ति क्रोधी है, कितना क्रोध करेगा? उसका क्रोध स्वभाव नहीं हो सकता, लेकिन वह जैसे खरपतवार अपने आप उग आता है, वैसे ये अपने आप ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इनके शमन के लिए जान रूपी जो कीटनाशक है या जो खरपतवार नाशक है, जान, सत्संग और जो है स्वाध्याय, ईश्वर का प्रणिधान, ये खरपतवार को नष्ट करने का काम करते हैं। जी अब जी जी, जैसे किसी की इच्छा है बहुत आचार्य कुलम में प्रवेश कराने की बच्चे की या वैदिक गुरुकुलम में, लेकिन वो इंजामानुसार नहीं आ पा रहा है, तो हम तुरंत उसको जवाब दे देते हैं कि भाई आपका काम नहीं हो पाएगा जी, तो वो दुखी होता है जी। एक तो ये है, वहाँ भी वो दुखी हो रहा है, तो हिंसा है अहिंसा है। दूसरा इसी में ये है कि हम उसको धीरे धीरे कहेंगे कि हाँ देखेंगे, करा देंगे, देखेंगे देखेंगे, दो चार दिन उससे वायदा किया, उसके बाद में काम तो उसका होगा ही नहीं, फिर भी वो दुखी होता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब हमको किसी को जवाब तुरंत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? दो बातें हैं बिल्कुल। ऐसे आपने तो एक प्रसंग बताया, ये दिन भर हमारे साथ घटता है, छोटे छोटे व्यवहारों में, और विशेषकर उन व्यक्तियों को जो अधिकृत है किसी कार्य के लिए, अधिकारी हैं, जो उत्तरदायित्व में व्यक्ति हैं, उनके लिए ये बड़ी कठिन बात होती है। तो इसमें मेरा स्वयं का भी निजी अनुभव है कि व्यक्ति को कष्ट तो होता ही होता है, निसंदेह होता है, कष्ट होता है, लेकिन वो ज्ञान पूर्वक जब हम किसी को बताते हैं कि देखो इसमें यह प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ही कार्य होगा, इससे जो है भिन्न कोई रास्ता नहीं है दूसरा, तो उसको कष्ट होगा, लेकिन उस कष्ट से उसमें दृढ़ता भी आएगी कि वास्तव में ये जो नियम है ये यहाँ के अच्छे हैं। जैसे दूसरी बात आपने कही, उसको धीरे 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 बताएं कि ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, वो उससे बड़ी हिंसा है। यदि वह चीज नहीं घटित हो रही है, नहीं आप करा पा रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको उसी समय विनम्रता पूर्वक जवाब दे देना चाहिए कि देखो इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, या इसके लिए यह जो आप कह रहे हैं वह नियम इसके ऊपर लागू नहीं होता है, ये नहीं हो पाएगा। तो वो तो ठीक है, लेकिन जब हम उसको धीरे धीरे बोल करके, और ये मन में ये भी है, कई बार ऐसा होता है कि सांत्वना देने से या उसको ठीक हो सकता है, कई बार आपका मन पवित्र है और आप उसको ठीक ही सलाह देते हैं कि देखो धैर्य रखो, बच्चे ने परीक्षा दी है और हो सकता है आ जाए, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप जान रहे हो कि बच्चा बिल्कुल जो है डाउन है, उसका स्तर बिल्कुल नीचे का है, पढ़ नहीं पाएगा और आ नहीं पाएगा, तो वो कोशिश कर रहा है, तो उसमें आप कह सकते हैं देखो ये नियम यहाँ ऐसा ही होगा, इससे भिन्न नहीं होगा।
तो वो तो अच्छा नहीं, फिर नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं भी परीक्षा दिया या नहीं भी पास होगा कोई बात नहीं, हम करा देंगे, ये उससे ज्यादा हिंसा होगी। इसलिए हमको समझने का प्रयास करना चाहिए और जानपूर्वक, पहले भी इसकी चर्चा की है, जानपूर्वक हम किसी को कोई बात कहते हैं हित के लिए कहते हैं तो जान से युक्त, मिथ्या छोड़ करके यथार्थ युक्त जब हम बात कहते हैं तो अहिंसा की कैटेगरी में ही आएगी। जी ओम स्वामी जी, इसी प्रसंग से जुड़ा है लेकिन वो दूसरे सब्जेक्ट विषय से है। जी जैसे किसी माँ का पुत्र है, अचानक वो कहीं खत्म हो जाए जी, और डायरेक्ट यदि उसको सूचना दे दी जाए कि आपका पुत्र खत्म हो गया, तो हो सकता है उसे वो बर्दाश्त ना कर पाए जी, जी। तो लोग उसमें भी तो झूठ बोलते हैं कि आपका बच्चा अभी बीमार है, हॉस्पिटल में है, आप जल्दी से आ जाइए। तो ये प्रसंग तो दूसरा है लेकिन है तो वैसा ही। बिल्कुल ठीक है, प्रसंग दूसरा है लेकिन वहाँ पर उसको हिंसित, मतलब उसके हित के लिए किया गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अचानक कोई सूचना मिलती है तो उसी के साथ ही कई ऐसी घटनाएं हमने सुनी, हार्ट अटैक हो गया और एक का देहांत हुआ एक के घर में, उसी के साथ साथ पिताजी भी चले गए, उसी के साथ जो पत्नी भी चली, एक ही दिन में तीन तीन लोगों की मृत्यु हो गई। तो उस दृष्टि से लोग ये विचार करते हैं कि नहीं इसको नहीं बताना है, और उसको फिर थोड़ी देर बाद तो पता चल ही जाता है, उसमें कोई वो नहीं है। उससे जैसे कोई बाहर व्यक्ति है 50 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर है, अब उसको यदि वहाँ से बता दिया, यदि वह सक्षम है उस सदमा को सहन कर सकता है तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो उसको अपने घर पहुँचते पहुँचते हो सकता है कि उसके साथ भी कोई दुर्घटना हो जाए। वो यदि वाहन चलाता है तो उसका दिमाग उसी में लगा रहता है तो कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उस स्थिति में यह सूचना डायरेक्ट नहीं देते हैं, उसमें उनका हित होता है कि नहीं हो सकता है कोई दूसरी घटना ना घट जाए। इसलिए ये हिंसा नहीं है परंतु असत्य तो है, असत्य है, उसमें इतनी बड़ी हिंसा नहीं कि आपने जो है, क्योंकि उसको क्रोध तो आएगा नहीं, वो तो स्वीकार करेगा नहीं ये तो हमारे हित के लिए ही किया है। जिसके साथ भी ऐसा घटित तो होगा और उसको बाद में पता चलेगा कि नहीं हमको घर में बुलाया है और यहाँ तो ऐसी स्थिति है, तो उसको वो इससे अपने को नहीं समझेगा मुझको क्यों हिंसित किया, मुझको क्यों बुला लिया, झूठ बोलकर क्यों बुलाया, वही बता देते, तो ऐसा कोई बोलता नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही बिल्कुल सत्य है, ये ऐसा होता है और वह देश काल परिस्थिति में लोग करते हैं तो क्षम्य है वो। अहिंसा के विषय में कुछ और आपके समक्ष उदाहरण रखना चाहूंगा, बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हमारा जीवन अहिंसक होगा जितना उतना ही हमारा कल्याण होगा। एक श्लोक आपके समक्ष, अहिंसा निर्म धर्म, अहिंसा अहिंसा निर्मलम धर्मम। अहिंसा निर्मलम धर्मम सेवन्ते ये विपश्चितः, बहुत सुंदर बात कही। सेवन्ते ये विपश्चितः,
और आगे कहा तेषां तेषामेव या तिर्यग अधोन्यथा यान्ति तिर्या गधो अन्यथा। एक बार उच्चारण करेंगे अहिंसा निर्मलम धर्मम सेवन्ते ये विपश्चितः तेषामेवोर्ध्वं गमनम् यान्ति तिर्यगधोऽन्यथा अहिंसा निर्मलं धर्मं सेवन्ते ये विपश्चितः तेषामेवोर्ध्वं गमनम् यान्ति तिर्यगधोऽन्यथा। कह रहे हैं कि अहिंसा निर्मलम धर्मम, जो निर्मल बहुत ही विशुद्ध निर्मल भूत धर्म का जो पालन करते हैं, जो विद्वान अहिंसा से निर्मली भूत, मतलब कैसा धर्म, जिस धर्म में हिंसा ना हो, अहिंसा से युक्त, अहिंसा से निर्मल किया हुआ धर्म जो लोग पालन करते हैं, जो विद्वान पालन करते हैं, तेषाम ऊर्ध्वगमनम यान्ति, वे लोग ही ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होते हैं, वे लोग ही उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। और इससे जो विपरीत आचरण करते हैं, जो अहिंसा से युक्त धर्म का पालन नहीं करते हैं, हिंसा करते हैं, दूसरों को सताते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, वे लोग तिर्यग योनि में जाते हैं, अधोलोक को प्राप्त हो जाते हैं, पतन को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि हम धर्म भी कर रहे हैं, धर्म युक्त कर्म हो और उसमें अहिंसा का पूरा समावेश होना चाहिए, यदि ऐसा व्यवहार हम करते हैं तो वह धीरे धीरे हमको सदगति की ओर ले जाता है, हमको दुर्गति से बचाता है, हमको कुपथ, कुपंथ और भ्रष्ट होने से बचाता है, उस पथ में हम जाने से बच जाते हैं जो हमको नरक की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए अहिंसा सर्वोपरि है। हमको जो भी हम किसी भी धर्म का पालन कर रहे हैं, किसी भी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो अहिंसा से युक्त होना चाहिए, उसमें हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। और इसी बात को और थोड़ा सा हम समझते हैं। योग शास्त्र का यह श्लोक आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूं अहिंसा के विषय में, क्योंकि यह हमारा स्वभाव है। अहिंसा हमारा स्वभाव है और हिंसा तो पशु प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है, इससे हमको बचना चाहिए। अहिंसा को समझ करके अहिंसा का पालन करें, हिंसा से हम बचें। कह रहे हैं कि ये माता के समान रक्षा करने वाली है। मातेव सर्वभूता नाम अहिंसा हितकारिणी, बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर अहिंसा के विषय में कही जा रही है।
क्योंकि माता निर्माता भवति, मातेव मातेव सर्वभूतानाम अहिंसा, सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम अहिंसा हितकारिणी, और कह रहे हैं हिंसेव ही परावृत्त सारणी, सेव अहिंसैव अहिंसेव हि संसारम संसारम परा वामृत सारणी, कहने का आशय ये है कि अहिंसा ही जो है माता के समान सब प्राणियों का हित करने वाली है। बहुत बड़ी बात, अहिंसा क्या है, माता के समान सबका हित करने वाली है। जैसे माँ कभी भी अपनी संतति को, अपने बच्चों को कभी भी जो है कष्ट नहीं देना चाहती, कभी उनको दुख पीड़ा नहीं देती है, उनका सदा सर्वदा सर्वत्र हित चाहती है, उनका कल्याण चाहती है, वैसे ही अहिंसा का पालन करने वाले व्यक्ति को अहिंसा माँ के समान उसका सदा कल्याण करती है, उसका कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता है जो अहिंसा का पालन करता है। और अहिंसा ही संसार रूपी मरु भूमि में अमृत की नदी है। संसार क्या कहा कि यह मरुभूमि है, संसारम अरामृत सारणी, यह अहिंसा ही संसार एक मरुभूमि के समान है और इसमें जो अमृत की नदी के समान है वो क्या है, अहिंसा है। और अहिंसा जब व्यक्ति पालित जो है करता है, अपने आप स्वभाव में लाता है उसको, तो उसका जीवन खुशियों से, प्रसन्नता से, सौहार्द से आनंदित हो जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में हिंसा युक्त आचरण करते हैं तो उनको देखे कभी भी उनका चित्त शांत नहीं रहता, उनकी दृष्टि भी शांत नहीं रहती,
लोग बोलते हैं कि नजरें आपकी बताती हैं आपके व्यक्तित्व को, तो नजरें बहुत कुछ कहती हैं। जो व्यक्ति क्रूर होता है, जो हमेशा हिंसा का स्वभाव रखता है, तो हिंसा रखने वाले व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही हो जाता है, और व्यक्ति के द्वारा वह जो है निंदित माना जाता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के बीच में उसका मान नहीं होता है। इसलिए बहुत सुंदर बात यह कही है, और इसी का जो है इसी के साथ का एक श्लोक है, अहिंसा दुख दाव अग्नि प्रावृश्य मेण्य घनावली भव भ्रमिरु गार्ता नाम अहिंसा परम औषधि। कह रहे हैं कि अहिंसा दुख दाव अग्नि, अहिंसा दुख रूपी दावा नल से जले लोगों के लिए क्या है, प्रावृश्य जो है, जो भयंकर बरसात में जो है कितनी भी अग्नि जंगल में जो है आग लगी हो, और जब भयंकर बरसात होती है तो वह बुझ जाती है, ऐसे ही जो व्यक्ति दुख रूपी जो है अग्नि से प्रताड़ित रहते हैं, जलते रहते हैं, उनके लिए यह अहिंसा बरसाती बादलों की घटा है। और अहिंसा जन्म के चक्रों के रोग में जो पीड़ित जनों के लिए अचूक औषधि है, क्योंकि हिंसा करेंगे तो फिर अगले जन्म में हिंसक बनेंगे। ये क्रम, ये चक्र जो चलता है वो चलता ही रहता है, और जब अहिंसा का पालन करते हैं तो यह जो जन्म के चक्र में लोग पड़े हैं उनसे वो छूट जाता है। बहुत बड़ी बात ये यहाँ पर कह रहे हैं जी। आचार्य जी, आचार्य जी, भय भी हिंसा का कारण बन सकता है। जैसे हमें सांप दिखाई दे तो उससे हमें कुछ हानि तो नहीं रहती पर फिर भी उसको मार देते हैं, या कई लोग ऐसे रहते हैं उनको डॉक्टर कहते हैं कि आपको मछली खानी पड़ेगी इससे आपके अंदर का जो बीमारियां दूर होंगी, आपको अंडे खाने पड़ेंगे इसलिए आपके अंदर का प्रोटीन बढ़ेगा, तो ये भय रहता है इनके अंदर, भय फिर उनको हिंसा करवाता है। बिल्कुल, तो पहले तो ये भय को, आपकी बात आ गई, और क्योंकि यह श्लोक, इसकी थोड़ी सी चर्चा और आगे करेंगे। आपके जो प्रश्न है कि भय भी हिंसा का कारण है, भय जब लगता है तो हम हिंसा न चाहते हुए भी हिंसा कर देते हैं, इसका प्रसंग हम अगली कक्षा में लेंगे, अभी यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।